टाटा सफारी फेसलिफ्ट। टाटा मोटर्स अभी के समय टोटल 3 SUVs को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। पहली है नेक्सॉन फेसलिफ्ट, दूसरी है हैरियर फेसलिफ्ट और तीसरी है सफारी फेसलिफ्ट। सफारी फेसलिफ्ट और हैरियर फेसलिफ्ट का जो एक्सपेक्टेड लॉन्च है वो 2024 के फर्स्ट क्वार्टर तक होगा। और इन सब के लॉन्च होने के बाद टाटा 2 और SUVs को लॉन्च करेगा। पहली है पंच ईवी पंच का इलेक्ट्रिक वर्जन और दूसरी है टाटा की कर्व कूपे SUV। ये सीधा क्रेटा से राइवल करने वाली है। इस वीडियो में आपको सफारी फेसलिफ्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस गाड़ी के डिजाइन की बात करते हैं। इस गाड़ी के एक्सटीरियर में आपको न्यू डिजाइन एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। सफारी और हैरियर फेसलिफ्ट की जो डिजाइन है वो हैरियर ईवी जो कि ऑटो एक्सपो 2023 में दिखाई गई थी उससे इंस्पायर्ड होने वाली है। सफारी और हैरियर के जो फेसलिफ्ट है उसमें भी आपको कुछ इसी तरीके का डिजाइन मिलने वाला है, जो कि इस गाड़ी के जो स्पाई शॉट्स आए उसमें भी आप क्लियरली देख सकते हैं। सफारी और हैरियर के दोनों के फेसलिफ्ट में आपको अब फुल LED हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं, जो कि इस गाड़ी के स्पाई शॉट्स में क्लियरली दिख रहा है। और बाकी इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल में आपको ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। इसमें आपको न्यू डिजाइन के अलॉय व्हील्स मिलेंगे और हो सकता है कि इस गाड़ी में आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स भी मिल सकते हैं, जो आप इसके स्पाई शॉट्स में देख सकते हैं। और इसमें आपको रियर प्रोफाइल में न्यू डिजाइन के टेल लैंप्स मिलने वाले हैं और इसमें आपको अब डायनेमिक टर्न इंडिकेटर्स भी मिलने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में आपको एक्सटीरियर में काफी सारे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। और अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। इस गाड़ी में आपको इंटीरियर में ऐसे कुछ ज्यादा बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले। टाटा ने अभी सफारी में काफी सारे न्यू फीचर्स को ऐड किया है, इंक्लूडिंग ADAS को। इसमें आपको मिनिमल चेंजेस देखने को मिलेंगे और ये जो स्पाई शॉट्स निकल कर आए इनसे तो ऐसा लग रहा है कि इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है उसका थोड़ा सा डिजाइन चेंज किया जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं इन इमेजेस में इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो पूरा कवर है, लेकिन इसमें आपको थोड़े चेंजेस तो मिलने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में आपको सेंटर कंसोल में न्यू गियर नॉब मिलने वाला है और बाकी इसमें आपको बड़ी स्क्रीन भी मिल सकती है। इसमें आपको टाटा का न्यू स्टेयरिंग व्हील मिल सकता है और ये जो इस गाड़ी का गियर नॉब है ये लैंड रोवर से इंस्पायर्ड होने वाला है और बाकी इसमें आपको फुली लोडेड फीचर्स तो मिलने ही वाले हैं। और अब बात करते हैं इस गाड़ी की सेफ्टी के बारे में। इस गाड़ी का अभी तक कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, पर जैसी इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी है उससे तो इस गाड़ी को डेफिनेटली 5 स्टार्स ही मिलेंगे। और इस गाड़ी में आपको सेफ्टी फीचर्स भी फुली लोडेड मिलने वाले हैं जैसे कि अभी के समय मिलते हैं। और न्यू मॉडल में इसमें टाटा और न्यू सेफ्टी फीचर्स को ऐड कर दें ऐसा हो सकता है। इस गाड़ी के ADAS के फीचर्स की बात करते हैं। ये बात आपको शायद तक ना पता हो कि इस गाड़ी में आपको अभी के समय फ्रंट के साथ साथ रियर में भी ADAS मिलता है, जो आपको और कोई दूसरी गाड़ी में नहीं मिलता है इसके सेगमेंट की। सफारी का जो अभी करंट मॉडल है उसमें आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है, तो ये हो सकता है कि इस गाड़ी का जो अपडेटेड मॉडल है उसमें आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाए। अब बात करते हैं इस गाड़ी में मिलने वाले इंजन के बारे में। इस गाड़ी में आपको अभी 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो कि 170 BHP की पावर और 350 NM का टॉर्क जनरेट करता है, लेकिन इसके न्यू मॉडल में आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो कि टाटा ने 2023 के ऑटो एक्सपो में दिखाया था। ये जो टर्बो पेट्रोल इंजन है ये लगभग 170 BHP की पावर और 280 से 300 NM का टॉर्क जनरेट करेगा और इस गाड़ी में आपको डुअल क्लच ट्रांसमिशन भी मिल सकता है। और अब बात करते हैं इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में। तो सफारी का जो अभी वाला मॉडल है उसकी प्राइस है 15.65 से 25.02 लाख रुपीस और इस गाड़ी का जो अपडेटेड मॉडल होने वाला है उसकी जो प्राइस है वो 50,000 से 1,00,000 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। और ये तो एक्सपेक्टेड प्राइस है, बाकी अपडेटेड मॉडल की क्या प्राइस रहने वाली है ये तो इसके लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। और बाकी इस गाड़ी के लॉन्च की बात करें तो इस गाड़ी के लॉन्च के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सफारी का और हैरियर का दोनों का अपडेटेड मॉडल लगभग सिमिलर ही रहने वाला है और इनका जो लॉन्च है वो फर्स्ट क्वार्टर 2024 तक हो जाएगा। तो बस यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी अपडेटेड टाटा सफारी या फिर कहें सफारी फेसलिफ्ट के बारे में, जो कि इस वाले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बता दी है। और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हो तो नीचे यश ऑटो कार्स को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए।